दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह तीन अहम सवालों के साथ INCTV पर आपका स्वागत करता हूं। तीनों सवाल हमारी संस्कृति के सबसे बड़े देव अवघर्धानी भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीलाधारी कृष्ण कन्हैया से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल है, अगर भगवान शिव की बारात में उनके भक्तगणों से वसूली की जाती तो क्या होता? दूसरा सवाल है, अगर केवट और माता शबरी जैसे राम भक्तों के सामने शर्त रखी जाती कि भगवान से मिलने से पहले उन्हें जेब ढीली करनी पड़ेगी तो क्या होता? और तीसरा सवाल है कि अगर गोपियों के सामने किशन कन्हैया से मिलने के लिए कोई फिक्स रेट का बोर्ड टांग दिया जाता तो क्या होता? तीनों सवाल जेहन में बिठा लीजिए और अब मेरे साथ चलिए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, बनारस, वाराणसी। वही काशी जहां के जनप्रतिनिधि आजकल अपने माननीय मोदी जी हैं, सांसद के तौर पर दूसरा टर्म चल रहा है। साहब जब से बनारस के सांसद बने हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ सज्जा में जुटे हुए हैं। अपनी रुचि के हिसाब से काशी विश्वनाथ मंदिर का कहते हैं वो कायाकल्प भी कर चुके हैं और अब उनकी कृपा से काशी विश्वनाथ का पूरा मामला अगले चरण में पहुंच चुका है। वो अगला चरण है भोले भंडारी के भक्तों से वसूली का। दैनिक जागरण की खबर पर आप गौर करिएगा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का स्पर्श दर्शन करने के लिए शुल्क जमा करना होगा। मंदिर प्रशासन अभी शुल्क तय कर रहा है, इसे 500 से 1000 रुपए तक करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें श्रद्धालु सीधे गर्भगृह तक पहुंचेंगे और बाबा का दर्शन स्पर्श कर सकेंगे। चाशनी में घुली कड़वी खबर को आसान शब्दों में समझिए, भोले भंडारी के जो भक्तगण 1500 चुकाएंगे वही बाबा के दर्शन और उनका स्पर्श कर पाएंगे। जिनके पास पैसे नहीं होंगे उन्हें ना तो बाबा के दर्शन की इजाजत होगी, छूने की बात तो बहुत दूर। इस खबर के साथ लौटते हैं भगवान शिव से जुड़े सवाल की ओर। अगर भगवान शिव की बारात में उन भक्तगणों से वसूली की जाती है तो क्या होता? आपसे आग्रह है कि आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, अपने बच्चों, अपने घर परिवार के लोगों और अपने आसपास के लोगों से भी इसका जवाब पूछिएगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी अनादि सभ्यता और संस्कृति के किसी कालखंड में भगवान शिव को सोने चांदी या रुपए पैसे की बाड़ में किसी ने कैद करने की जरूरत नहीं की थी। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब महान हिंदू हृदय सम्राट के दौर में हो रहा है। भगवान और भक्त के बीच वसूली की बाड़ खड़ी की जा रही है और आप इसे संयोग समझने की कतई गलती मत कीजिएगा। ये मोदी सरकार का जाना पहचाना प्रयोग है। काशी विश्वनाथ, जहां से खुद मैं भी आता हूं, उसमें वसूली का प्रयोग सफल हो गया तो फिर अयोध्या में प्रभु राम के भक्तों से वसूली होगी, मथुरा में किशन कन्हैया की कृपा उनके किसी सुदामा सखा को नहीं मिलेगा, कोई गोपी बिना जेब गर्म किए अपने कन्हैया से नहीं मिल पाएगी, कोई मीरा कान्हा के दर पर आकर भजन नहीं सुना पाएगी। आगे कुछ और कहने की इच्छा नहीं हो रही है, बस प्रभु से माफी मांगना चाहता हूं कि हे प्रभु, हो सके तो इन लोगों को माफ कर देना। इन्हें पता नहीं है कि धर्म के नाम पर धंधा करते करते ये कहां तक पहुंच गए हैं। इन पर बस अपनी कृपा बनाए रखना। हे काशी विश्वनाथ, नमस्कार।